ये देखिए भाई, काफी भारी भरकम शरीर है ताऊ जी का, और जो है इनको मेरे हिसाब से पैरालिसिस हो गया होगा, अदरंग जिसको बोलते हैं। तो फिलहाल लेके आए हैं वैद्य जी के पास में, और देखते हैं किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं इनका, क्या कुछ बताते हैं। तो है वैद्य, मुट्ठी बंद भी नहीं होती ना जी, है ना जी, आज हो जाए तो क्या काम कर सकता है आज तू, है आज बंद होगी तो क्या कर सकता है, साइकिल चला लेंगे जी, साइकिल चला लेगा ना, साइकिल लाला दे बको ने, साइकिल टूट जाएगी ये लाइक वांग भी उंगली लाके भी थोड़ी बहुत आ लेंगे, बिल्कुल ही नहीं ना जी, ना सीधी होंगी पक्का, हां चल दो जी, बटन दबते ही सीधी होगी। खड़े हो जाओ, शाबाश ले भाई, खुद का सारा बदले भाई, दो दिन ठाक लिया थे इसने, उरत पकड़ ले भाई, बस साथ बता जी आ सकता है कोई भी लड़का लड़की सीखने के लिए आ सकते हैं दिल्ली, सोमवार को सिखाया जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा उसके बारे में, और मंगलवार बुधवार को प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा, तीन दिन क्लासेज होती है उनके आपके पास में, आराम से, और कितना लगे है जमा लागे खूब रक्षा पर धरो तो तिमरा ये पांच दूर जुड़ाए देने अड़े है, और तरतरटी होई गई नशा में, हैं नशा में तरतरटी होई गई में, हां तो ये सारी नस्कुल पूछ जाओगे लगे में, हां नमस्कार, मैं आपका दोस्त विनय लंबा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल लोक प्रसार में। फिलहाल भाई खड़ा हूं हिसार में, और हिसार में भी कहां पे जिंदल कुल के पास में भाई श्री श्याम एक्यूप्रेशर की नाड़ी नहीं चल पाएगी ना, यहाँ पे पता लगा भी जो भी न्यूरो के जितने भी मरीज होते हैं जिनको सर्वाइकल जोड़ों का दर्द इस टाइप की कोई बीमारी है, या कमर दर्द है, या रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, हड्डियों से संबंधित दर्द है, इस तरह के जो मरीज यहाँ पे आते हैं, और उन लोगों की वीडियो जो है हमारे चैनल पे आपको रिव्यू मिल जाएंगे, श्री श्याम एक्यूप्रेशर में वैद्य सुनील गोयल जी आपके जो कार्य करते हैं और लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, और किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, क्या उनका जो है मेथड है, और किस तरह से लोगों का इलाज करते हैं, और कितने लोग यहाँ पे ठीक होते हैं, सारी चीजें दिखाने के लिए श्याम श्री श्याम एक्यूप्रेशर में यहाँ पे पहुंचे, और यहाँ पे मैं दिखा दूं फिलहाल जो है मरीज पहुंच चुके हैं, अभी जो है वैद्य यहाँ पे पहुंचे हैं, और इनसे बातचीत भी करवाएंगे, और फिलहाल जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट करने का जो तरीका है वो आप लोगों को दिखाएंगे, और फिलहाल इलाज नहीं करता मैं, मरीज जो है काफी पहुंचे भाई, जोड़ों और जोड़ों से संबंधित है, नसों से संबंधित, किसी प्रकार की न्यूरो से संबंधित अगर किसी प्रकार की बीमारी होती है तो उसके संबंधित जो मरीज है वो यहाँ पे पहुंचते हैं, और लोगों का चमत्कारिक ढंग से जो है इलाज करते हैं, कोई एक नस या एक्यूप्रेशर के माध्यम से जो है ये लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सामने जो है बैठे हैं पेशेंट और उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, नाड़ी देख के नब्ज देख के बता देते हैं कि इनको क्या समस्या है, किस तरह की इनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है, बीमारी क्या थी। तो वैद्य जी आप इनका जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये जो पेशेंट है क्या समस्या लेके पूछे आप नाड़ी देख रहे हैं इनकी, अभी फिलहाल तो बीपी इनका 180 है, बीपी 180 है, सिर्फ नाड़ी देखने से पता चल जाता है। अच्छा जी, ये देखिए भाई, काफी भारी भरकम शरीर है ताऊ जी का, और जो है इनको मेरे हिसाब से पैरालिसिस हो गया होगा, अदरंग जिसको बोलते हैं। तो फिलहाल लेके आए हैं वैद्य जी के पास में, और देखते हैं किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं इनका, क्या कुछ बताते हैं, काफी दिनों से समस्या इनको लग रही है। कब्ज सी आपका? पहले कब्ज सी तो है ना, पेट आज तो साफ है नहीं, तो फिर नट्टे क्यों जब मैंने झूठा बनाओ फिर ड्रग्स उल्टी बता दो उसमें सर पानी की बात है, ई फिर घुमा दे नो लगा, जिसका आत्म सोजन है ये जो है ये आड़े सोजन है ये सारी, बात का लगवा इस कितना बीपी रहा है बेरी अपन फिर दिखा से दूर से है जी 130 इतना डरे क्यों है? घबराहट हो गई क्या? घबराहट हो गई क्या था? ये बोल रहा है कि पहले कुछ नहीं घबराहट हो गई, सबसे बड़ी दिक्कत पेट की है, पेट की लीवर ही हो रहा है नहीं तो ये लाइक वांग हुई उंगली लाके भी थोड़ी बहुत आ लेंगे, बिल्कुल ही नहीं ना जी, ना सीधी होंगी पक्का, हां चल दो जी, थोड़ी ना ठीक
के नाम है राजबीर जी तो सीधी बटन दबता ही सीधी होगी। हाँ आपने बटन दबा तो चलेगा फिर ताई जमा मांगी थी है? ये कहाँ तक दर्ज है ऊपर को नहीं गया ना ऊपर तो जाना चाहिए कहाँ जाना श्री शर्मा यहाँ तक जागा दाव तो बता दियो आ गया। ये देखिए भाई सिर्फ और सिर्फ हाथों में जादू है ये कला वैद्य सुनील गोयल जी जानते हैं सिर्फ एक्यूप्रेशर के माध्यम से ही जो सारे ट्रीटमेंट करते हैं आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ नसें हैं नसों का ही सारा खेल है और वो नसों के सारी बारीकियां जो है वैद्य सुनील गोयल जी बंद भी नहीं होंगी ना जी है ना जी आज हो जाए तो के काम कर सकता है आज तो है? आज बंद होगी तो के कर सकता है साइकिल चला लेंगे जी साइकिल चला लेगा हाँ ना साइकिल ला रहा है देखो कौन है साइकिलें टूट जाएगी अच्छा भी तो सांस न रोक ले बंद करके दिखाओ सांस न रोक ले सांस रोक जोर लगाई अगर जो थोड़ी सी भी इसने वो दिखा दी ने फिर आपका गारंटी उठ लगे थोड़ी सी भी बंद होगी हालगी ना कोई भी अंग नहीं सांस रोक के मुट्ठी बंद करो करो कोशिश करो 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 लगाते जोर तो बना ले रहे हो जोर का तो आता है कल ला बाकी बनेगी बात बनेगी ठीक है ये हाथ हल्ले कौन जाने अब सांस को बंद करके इसने हिला के ऊपर उठाने की कोशिश करे ऐसे मोड़न की हिला हिला हाँ हिला उठा 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 कर कर कोशिश हाँ उठा उठा हाँ उठा 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 तला लगा उठा शाबाश 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 उठ गया ले उठा उठा वेरी गुड वेरी गुड और जोर लगा शाबाश उठ गया देख ले इतना उठ गया हाँ सिर्फ दो ही मिनट में हिम्मत करोगे तो और उठ जाएगा थोड़ा देख हाँ ले जा ले जा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ले भाई सिर्फ दो मिनट का खेल था ये नसों का उठ जाएगा ले इतना एक्यूप्रेशर लगाया इन्होंने उठ जाएगा भाई कितना जोर लगा फिलहाल और भी ठास को ले जा पीछे ले जा ले जा ले जा ले ले बहुत बढ़िया ये ले देख लो भाई ठीक है ले हाँ बिल्कुल करो तुरंत प्रभाव से रिजल्ट मिल ये सारे दिखा दे लोग खड़े देखते हैं कई लोग करे जी हाँ ये तो फेक वीडियो डालो गुणवत्ता के बार जो कमेंट करने वाले को हम कुछ कह नहीं सकते भाई ये देख लो फिलहाल आपके सामने रिजल्ट है भाई इतने लोग बैठे यहाँ पे मैं दिख चलो आपको दिखाऊं तो यहाँ पे पेशेंट काफी आए हुए हैं यहाँ पे और चलो सीधा करो आप फिर उठाओ कह तो मुट्ठी बंद कोनी होती भाई अंगुली भी कोनी हल्ला थी यार हाथ छा दिया फिलहाल दिए देख अब मुट्ठी और बंद कर कमाल कर बंद कर जोर लगा सही हाँ लगा 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 हाँ लगा ये उंगली तो हिली है बिल्कुल सीधा था भाई चलो देखिए करो बंद करो जो बार बार करोगे ना तो बार का भी जो खून आएगा ना ये एकदम ये हो जाएगी तो कोशिश करनी पड़ेगी लगभग अगर आप कोशिश नहीं करोगे दिमाग से तो ठीक नहीं हो सकते मनो देख रहे थे साथ की नाड़ी चल रही कि नहीं चल रही चल गई जी चल गई हाँ फिर तो मैं भी चल गया वह जी समस्या क्या आपको दिखाई दे रही थी इनमें और नर्वस सिस्टम की है ट्रीटमेंट इनका हो सकता है ब्रेन के अंदर क्लॉट आया हुआ है इनका अच्छा जी क्या जी तो इनका जो ट्रीटमेंट क्लॉट क्लॉट ये मुड़े हैं हां पैर मुड़ जाए हम पैर का मोड़ दे
बैलेंस को नहीं बनता है पैर का पता है को लगता है कि नहीं है उठता ही नहीं बिल्कुल सुनना है दर्द तो रह रहे है सुनना है हाँ नहीं तो दर्द महसूस होगा एक तो ये बरे दर्द हो रहा है जी को सुनना बताओ था एक मोड कट मोड 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 बस सीधा करीब सीधा कर सीधा ये घबराहट हो तो बता दिए कदे बे चल दो बोले बैठ जा अभी तो जय श्री श्याम बैठ जा अपने आप छोड़ दे भाई साइड में हो जाए ते कोनी पड़े ना टेंशन ले वो सारा देना है आया आप आके एक रागे करो करो अपना ना ठा ले भी अपने पैर ने ठा ले भाई हम कत्ते ही ठावांगे सवारी अपने सामान की खुद देख वाज जाग रहे कर काम बन की बात है एक बारे वो सलाह कर लेते इसने खड़े हो जाओ आराम अभी नहीं खड़े हो जाओ हाँ शाबाश ले भाई खुद का सारा दे ले भाई दो दिन ठा के लाए थे इसने उरत पकड़ ले भाई बस सारा नहीं देना बस इसके दिमाग में ये जाना चाहिए अब पकड़ रखा है छोड़ो छोड़ो आप छोड़ दो पीछे सिर्फ दूध देखी कि गिरे नहीं पहले सीधा शरीर को वो करो नीचे बैलेंस बनाओ ठीक है अब उठ चलो उठाओ ये हाँ पैर ना उठाओ हाथ थोड़ी ठाना उठाओ पढ़न कौन दिया टेंशन ना ले पढ़न नहीं देंगे हाँ बस 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 बिल्कुल बात ले हाँ इसने उठाओ कौन ही पढ़न दे आज तो रिमारी हाँ कोई बात नहीं उठाओ और ये देख लो फिलहाल अपना चलो खड़े हो गए हैं और ना हाथ मुड़े जाना हाँ मुड़े था पता ही नहीं लगा था फिलहाल ये देख लो के नस दबाई हुई है जिन्हें के जादू करे चलो चलो करो उठाओ देख ले हाँ फुर्ती करीब करता हूँ इतनी फुर्ती तो उठ जाया करता पहले कोई बात नहीं कोई नहीं कोई नहीं एक मिनट एक दो दिन की बीमारी कौन थी ले भाई ढाई साल की बीमारी थी फिलहाल ये देख लो आपके सामने छोटी बिना बैलेंस बना बिल्कुल सीधे खड़े हो गए था वो बैलेंस बना बैलेंस आगे नहीं जोड़ दोनों पैर आगे नहीं जोड़ हाथ नीचे नहीं करे लटका था इनका आगे नहीं करे दिमाग में ये है ऐसे खोआ पकड़ ली शरीर का बैलेंस बना हां बैलेंस बना ना पहले सबसे पहले आगे नहीं शरीर का फिलहाल ये देख लो आगे नहीं शरीर का ऐसा आगे नहीं आगे नहीं जोड़ अभी पता नहीं भाई ये जो विद्या है सुनील गोयल बैलेंस नहीं बना रखा आपने सभी फिलहाल में और आप देख मारे वाले गले हम छोड़ देंगे नीचे जाओगा साथ के साथ में इलाज करते चल भी तो उठाई ये पैर उठा सकते पहले लाइव आपको दिखा रहा था और किस तरह से लेके आए थे दो बंदे नको बैठा के लेके आए थे फिलहाल आप देखो तो चलो, चलो। अपने पैरों ऊपर ना ले नोस पकड़ा गया खुद चलने की चला दूंगा भाई भी नहीं पैदल चला दूंगा खुद आऊंगा चल के जाऊंगा लेकिन शरीर थोड़ा शाबाश भाग ने कर दे बस उठ तो गया ये उठ गया पैर भाई देख लो वेरी गुड बहुत बढ़िया चल 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 थोड़ा उठा ले ले कोनूर ले हम कर दूंगा खा मार कर दूंगा करना क्योंकि ढाई साल की बीमारी होगी हां शाबाश ले भाई गुठा ना थोड़ा आता उसने मान लो तब कदम उठाया मैं की करूं ऐसे टेक फिर कोनी मुड़ चल टेक सीधा टेक चल चल दाब दे हां हां पैर पर दाब दे ठा ठा कुछ दो चार प्रश्न लग है हां हां चल चल उठा पैर ना उठा पड़े ना अब नहीं दिया ये पक्का है जी जो एक्यूप्रेशर से मैं बात करूँ तो ये बीपी शुगर थायराइड ये चीज भी ठीक हो सकते हैं सारी बीमारी जो लिखी हुई है सारी बीमारी पॉइंट दबाने से हो जाती है कोचिंग सेंटर बना रखे अपन ने दिल्ली में हर सोमवार को क्लास लगती है पूरा कोर्स करवाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू अच्छा जी कोचिंग हम देते हैं पेपर जो होंगे वो कॉलेज में होंगे गवर्नमेंट के तो उसमें सिर्फ एक्यूप्रेशर से संबंधित और भी चीजें सारे एक्यूप्रेशर का भी नाड़ी देखना सब नाड़ी परीक्षण का दवाइयों का ज्ञान सारी चीज अच्छा जी दवाई जो इसकी कोचिंग चाहे वो सीख सकता है लड़का लड़की दवाइयां बनानी भी सिखाते हैं
कौन सी चीज से क्या होता है, कौन सी घटक कैसे तो आ सकता है। कोई भी लड़का लड़की सीखने के लिए आ सकते हैं दिल्ली, सोमवार को सिखाया जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा उसके बारे में, और मंगलवार बुधवार को प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा। तीन दिन क्लासेज होती है उनके आपके पास में, तो कितने दिन का कोर्स लगभग ये, और कितना इसका अगर खर्चा मानो जो कोर्स जो होता है ये, देखो वैसे तो कोर्स ये 5 साल का हुआ, पूरी डॉक्टरी करनी है तो जी हाँ, जो मुख्य मुख्य रोगों के लिए अगर स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द हो गया, लकवा हो गया, तो इसका 3 महीने का कोर्स है, उसमें ये मुख्य मुख्य चीजें सिखाई जाएंगी, मोटी मोटी सारी चीज मतलब बता देते हैं। है तो हाँ, फुल कोर्स करना तो कम से कम उसमें 1 साल लगे। तो 3 महीने का जो आपका वो है खर्चा लगभग कितना हो जाता है उसका, बच्चा कितनी माने? अभी तो बहुत ही कम है, मात्र अगर पहले एडमिशन अगर को लेते हैं 10 बच्चों के लिए 5,000 रुपये है 3 महीने का, 5,000 रुपये मात्र 5,000 रुपये। हाँ, जो कॉलेज की फीस है वो कॉलेज की फीस कोर्स के अनुसार है, वो न देनी पड़ेगी, क्योंकि जो डिग्री आएगी वो जेन्युइन आएगी। तो डिग्री का काम नहीं करेंगे हम, 3 साल का होना चाहिए डिप्लोमा, कह देने का चाहिए 3 साल की पूरी डिग्री करनी है, या 6 महीने का डिप्लोमा चाहिए, 1 साल का चाहिए, वो तो उसको उसी हिसाब से। तो इसमें आप मुख्य मुख्य कौन कौन सी बीमारी के बारे में ज्यादा मतलब सिखाएंगे इन चीजों? वो उसके ऊपर हम तो सारी बीमारी में 107 बीमारी आती है, ऑपरेशन भी 107 सीखना चाहिए, 107 बच्चा सीखने वाला डिपेंड करता है कितना उसके अंदर दिमाग के सीखने की क्षमता है। आपका तो ये सुनील गोई जी थे, उन्होंने जो सेंटर भी खोल रखा है, अगर आप सीखना चाहते हैं एक्यूप्रेशर के बारे में या इनसे संबंधित जो नसों से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, और 107 तरह की बीमारी जो बताई इन्होंने, जो आप सीख सकते हैं एक्यूप्रेशर के माध्यम से, और आयुर्वेद की दवाइयां भी जो आप बना के लोगों को दे सकते हैं, और अपना जो कारोबार है, अपना जो जनसेवा है, वो आप सुचारू रूप से चला सकते हैं। फिलहाल ट्रीटमेंट किया भाई माता जी का, और आप देख पा रहे हैं कि पैर में इनको प्रॉब्लम थी, और अभी पूछेंगे इनसे इतना आराम महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ जी माता जी, वैक में आराम ठीक कर रहे हैं ट्रीटमेंट? ये हाँ ठीक, अब तो ठीक है। ये कितना लगा महसूस? अब पैर हल्का है, पहले नस खिंची हुई थी, नस खिंच रही थी, 2 मिनट में बिल्कुल ठीक कर दिया, अब तो ठीक है, कल देखो। अच्छा, फिलहाल ठीक महसूस कर रहे हैं? फिलहाल तो भी चल के देखिए, आपने कोई दर्द नहीं महसूस कर रहा है? बिल्कुल ले देखिए, जिन्हें चढ़ के देखे चल के देख लो, देखो ऊपर चढ़ के देख के आओ, चल के देखो आप। तो देखिए भाई माता जी के पैर में नसों में कोई प्रॉब्लम थी, खिंचाव था, और फिलहाल वैद्य ने ट्रीटमेंट किया, तो एक्यूप्रेशर के माध्यम से फिलहाल बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हैं। डिप्रेशन आपको है एकदम से, इनका जो तरीका है एक्यूप्रेशर के माध्यम से है, किसी प्रकार का यहाँ पे कोई मशीन नहीं है, सिर्फ हाथों में जादू है वैद्य की, और हाथों से ये बिल्कुल ठीक कर देते हैं, आप देख पा रहे हैं। सिर्फ 2 ही मिनट का जो है ये वक्त लेते हैं, और इसी में ट्रीटमेंट कर देते हैं बिल्कुल सही तरीके से।